Thank you.
महाराष्ट्र में उसको बहुत बहुत पैमाने बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, तो उसका भी प्रिपरेशन यहाँ पर बहुत तैयारी तय कर देखा गया क्या क्या कुछ कहना चाहेगा। आज वर्सोवा विधानसभा में इस सराव शिविर का आयोजन हुआ और इस आयोजन के माध्यम से भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कृति का संवर्धन करने का जो काम, वो भी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सातत्य क्या पूरे देश भर में चल रहा है। आज आपने देखा कि दही कला के अनेकों पथक यहाँ पर आकर के इन्होंने सलामी दी। ये सलामी असल में उनकी प्रिपरेशन है, जितनी एक डेढ़ महीने की जो वो मेहनत करते हैं, और 24 तारीख को जब दही हंडी होगी तब सभी जगह जा कर के वो इस कला का प्रदर्शन करेंगे। और मटकी तोड़ने का जो कार्यक्रम पूरे देश भर में, पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, उसमें वो सहभागी होंगे। 12 साल से गोविंदा पथक इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, यहाँ देखे गए स्टेज में और दूसरी बातें सुने के नाते क्या कुछ कहेंगे या अपील करना चाहेंगे गोविंदा पथक? मुझे लगता है आज का सराव शिविर उसके लिए था कि आप अगर अच्छी प्रकार से सराव करते हैं तो घायल होने का मौका कम रहता है। और दूसरी बात, जैसे आयोजकों ने बताया, यहाँ पे हेलमेट, गद्दा, एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है। और मुझे लगता है लोग जो कल जो दही हंडी के दिन लोग रस्ते पे उतरते हैं, मुझे लगता है लोग भी उस गोविंदा का सुरक्षा करते नीचे खड़े होके, ये हमने देखा है। मुझे इसके लिए लगता है कि कम से कम लोग घायल होंगे, और उसके साथ ही अगर इस प्रकार की कोई आपत्ति होती है तो भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई स्तर पे पिछले अनेक साल से गोविंदा का बीमा का भी हमने प्रायोजन किया हुआ है। संजय सर, आपकी क्या अपील रहेगी जो आगामी दही हंडी में गोविंदा पथक भाग लेंगे, उनके लिए क्या शुभकामनाएं आपकी होंगी और क्या उनसे अपील करना चाहेंगे? कल कृष्ण जन्म है, और कृष्ण जन्म के साथ साथ में कृष्ण जन्म अपने आप में एक आगाज है कि अधर्म का नाश होने के लिए प्रभु अवतरित हुए थे। और उसी उपलक्ष में, दही हंडी के उपलक्ष में, मैं सभी पथकों को, मुंबई की जनता को यह अपील और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने आप को जितने से जितने ज़्यादा सेफ्टी के तौर पर पे इस कार्यक्रम का आयोजन करें, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। राजभाई, देशमुख के प्रतिष्ठान के अंतर्गत और भारतीय जनता पार्टी के मंच पे इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो किस तरह से लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से नाना, जिस तरह से महाराष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र ने नाना देशमुख प्रतिष्ठान ने आयोजन किया है सराव शिविर का, मैं सभी गोविंदा पथकों के आपके माध्यम से ये करूँगा, ये आह्वान और अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं उनको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभेच्छा देना चाहता हूँ। उसके बाद जो दही कला, गोपाल कला का उत्सव दूसरे दिन होता है महाराष्ट्र में, उसके मैं सभी गोविंदा पथकों के बहुँ कि आप लोग अच्छी तरह से और इस गोपाल कला का आनंद लीजिए, और सेफ्टी की तरह से अपने सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए हर सुविधा का उपलब्ध हो करके ही आगे इस गोविंदा पथक को, जिस तरह से पूरी दिन भर गोपाल कला लोग और उनकी पूरी टीम जो घूमती है अलग अलग जगहों पे जाकर जो दही हंडी फोड़ती है, और बहुत ही सोच समझकर और पूरी सुरक्षा की दृष्टि से वो इस खेल का आनंद लें। संजय जी, आखिरी सवाल चलते चलते, आज के दिन भगवान कालकोठरी में गए थे और आज के दिन 1 चितंबर कालकोठरी में गए हैं। देखिए, ऐसा है कि इस बारे में आप, हम राजनीतिक प्रश्न है, मैंने आपको परसों भी कहा था कि आप बाज नहीं आओगे राजनीतिक प्रश्न पूछने से। अब देखिए, इस देश में प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है और कोर्ट ऑफ लॉ है। जो कानून और कानून की जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं, उनको उनकी इन्वेस्टिगेशन में अगर उनको समझ में आया होगा तो उनके, तो उनको अभी अरेस्ट किया है, अभी सज़ा नहीं हुई है, उनको अरेस्ट किया है, और कोर्ट लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। उसके लिए हमको और आपको उसके लिए कुछ टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि उचित है।